सुनाई नहीं पड़ रहा। मेरा नाम साहब जयदत्त शर्मा है और मैं आगरा सिकंदरा का रहने वाला हूँ। ये हम लोग यहाँ जागरूकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ आगरा वासियों को मालूम पड़े कि महिलाएं जो पुरुषों के ऊपर उत्पीड़न करती हैं या झूठे दहेज के मुकदमे करती हैं, उनकी सुनवाई तो पुलिस और प्रशासन पूरी तत्परता से करता है, लेकिन यदि कोई पुरुष या पति अपनी पत्नी की कंप्लेन या शिकायत लेकर थाने में जाता है तो उसकी शिकायत ली ही नहीं जाती है। उसको सिर्फ ये कह के भगा दिया जाता है कि तेरे से अपनी लुगाई ना संभलती घर में, तू जिंदगी में करेगा क्या। उसका मजाक बनाया जाता है, उसकी कंप्लेन ली नहीं जाती है। और तो और अगर वही पत्नी अगर अपने पति की कोई शिकायत करती है तो उसके पति को, पति के संपूर्ण परिवार को पुलिस आंखें दिखाने में, डंडा फटकारने में एकदम तत्पर रहती है। तो आपने इसकी कंप्लेंट किससे करी थी जिसने आपको ये? सब कंप्लेन हम लोगों ने कानून मंत्री श्रीमान आरएस प्रसाद जी से भी करी थी और अभी फिलहाल हम किरण रिजिजू जी से भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी साहब को हमने कई बार ज्ञापन भी भेजा हुआ है इस बारे में, लेकिन अभी तक पुरुषों के लिए कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है और महिलाओं के लिए सरकार समय समय पर तरह तरह के नए नए प्रलोभन देती है कि अभी फ्री बस सर्विस अभी केजरीवाल सरकार ने चालू करी थी मुंबई में, इसी तर्ज पर पिछले हफ्ते चेन्नई में भी महिलाओं के लिए फ्री बस सेवा चालू हुई है। अरे भाई महिलाएं क्यों, पुरुषों में क्या खोट है? संविधान अभी आप ही, जब संविधान हर एक भारतीय नागरिक के लिए जब समान है तो सिर्फ महिलाओं को ही क्यों फ्री बस सेवा दी जाती है? पुरुष क्या अछूते हैं? क्या जो वरिष्ठ नागरिक हैं क्या वो हिंदुस्तान के नागरिक नहीं है? क्या संविधान में उनके लिए कोई भी जगह नहीं है? तो आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? हम तो शासन प्रशासन से सिर्फ एक बहुत छोटी सी बात चाहते हैं कि भाई आप एक तरफा सुनवाई करने वाले जितने भी कानून हैं, एक पक्षीय लिंग भेदी कानून जितने भी हैं, उन सबको समाप्त कर दो। अगर आप समाप्त नहीं करना चाहते तो उन कानूनों में से लिंग भेद हटा दो। अगर कोई महिला पुरुष को प्रताड़ित करती है तो पुरुष की सुनवाई हो, यदि कोई पुरुष महिला को प्रताड़ित करता है तो भैया महिला की सुनवाई हो। यहाँ तो प्रताड़ित पुरुष होता है लेकिन सुनवाई सिर्फ महिला की होती है। तो इस विषय में आप आखिरी में जिलाधिकारी वगैरह महोदय से किसी से मुलाकात करेंगे? देखिए जिलाधिकारी महोदय से मिलना या किसी और से मिलना इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि जब पार्लियामेंट में और सेंट्रल में बैठ के जब कानून बनाए जाते हैं, पास करे जाते हैं, तो वहीं से ही इनके कानूनों का संशोधन संभव है। जमीनी स्तर पर अगर हम यहाँ स्थानीय प्रशासन से भी बात करें तो वो कह देंगे कि भाई कानून ऐसा है, कानून के खिलाफ हम नहीं जा सकते, हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, ये जवाब मिलता है।